सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के बारे में। तो गाइस अभी एक बहुत बड़ा जो स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट चल रहा था कि भाई जो एग्जाम्स हैं वो ऑफलाइन कंडक्ट होगी ऑनलाइन कंडक्ट होगी, और जैसे कि अभी चल रहा है कि भाई जो कॉलेजेस हैं वो फिर से जो है ऑफलाइन में स्टार्ट होंगे, तो जो एग्जाम्स हैं वो किस मोड से जो है कंडक्ट होंगे। तो गाइस फाइनली जो है SPPU ने अपना डिसीजन ले लिया है, तो अब ये जो क्वेश्चन है एग्जाम ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी, तो ये एकदम क्लियर इसका सॉल्यूशन आ चुका है। तो आपकी जो एग्जाम है वो ऑनलाइन वे से जो है कंडक्ट होने वाली है, यानी कि भाई इससे पहले जो आपकी एग्जाम्स कंडक्ट हुई थी ऑनलाइन MCQ बेस्ड, तो उसी तरीके से आपकी एग्जाम्स ऑनलाइन बेस्ड जो है MCQ टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फाइनली आपकी एग्जाम जब ऑनलाइन वे से कंडक्ट हो रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट बातों का आपको ध्यान रखना है। तो देखो सबसे पहली गुड न्यूज़ है, ऑफकोर्स आपकी एग्जाम ऑनलाइन वे से कंडक्ट होने वाली है। तो अगर अभी आप SPPU के वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर आपको जो है टाइम टेबल देखने मिल जाएंगे, तो बहुत सी जो अलग अलग स्ट्रीम्स हैं उनके टाइम टेबल जो है भी डिस्प्ले होने लग गए हैं। तो आपको जो है आपका जो टाइम टेबल है जल्द ही जो है SPPU की वेबसाइट पे देखने मिल जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको जो है सफिशियंट टाइम दिया जाएगा एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। इस बार जो है आपको एक सेपरेट टोल फ्री नंबर जो है देखने मिल सकता है, अगर आपको कुछ भी डाउट आती है प्रॉब्लम होता है तो आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हो SPPU को, और आपके जो डाउट्स होंगे वो जो है सॉल्व करेंगे। तो इस बार आपको जो है सेपरेट टोल फ्री नंबर देखने मिल जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं इस बार की एग्जाम का, तो जो डिफिकल्टी लेवल है वो लास्ट टाइम से ज्यादा होने वाला है। तो इस बार जो प्रॉक्टेड मेथड है उसको जो है थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट किया जाएगा। लास्ट टाइम सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड हो रही थी, वीडियो नहीं हो रही थी, तो इस बार जो है आपके वीडियो रिकॉर्ड और ऑडियो रिकॉर्ड दोनों होने के चांसेस हैं। तो अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है, ये सिर्फ ऐसे बताया जा रहा है। तो जब पूरे कंप्लीट गाइडलाइंस आ जाएंगे तो उसमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि वीडियो ऑडियो दोनों रिकॉर्ड होंगे या सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड होगा, और जो स्टूडेंट का जो पिक्चर लिया जाता था और उसको जो है डेटाबेस में सेव किया जाता था उस वे से होगा। तो जैसे ये गाइडलाइंस डिस्प्ले हो जाएंगे उसका अपडेट मैं आपको जो है टू टाइप पे दे दूंगा। तो अभी जो है आपको एक चीज के लिए तो 100% कंफर्मेशन हो चुका है कि आपकी जो एग्जाम्स हैं वो ऑनलाइन जो है कंडक्ट होने वाली हैं। तो अब जो है आप आपकी स्टडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। सो गाइस होपफुली ये जो वीडियो है आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। और एक इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, अगर अभी आप इंजीनियरिंग में हो, कंप्यूटर आईटी के स्टूडेंट हो, और अगर आपको फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट चाहिए, थर्ड ईयर का प्रोजेक्ट चाहिए, तो हम आपको जो है प्रोजेक्ट्स ऑफर करते हैं। एंड्रॉइड, पाइथन, वेब, AI, IoT सारे टाइप के प्रोजेक्ट्स आपको जो है हम ऑफर करते हैं विद डॉक्यूमेंटेशन, इंस्टॉलेशन, सोर्स कोड, सब कुछ IEEE पेपर के साथ। तो गाइस अगर आपको प्रोजेक्ट्स की जरूरत है, आप प्रोजेक्ट बनाना सीखना चाहते हो, तो मैंने आपको जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम आपको प्रोजेक्ट ऑफर करेंगे, और अगर आपको जो है प्रोजेक्ट रिलेटेड टॉपिक चाहिए तो वो भी हम आपको जो है सजेस्ट करेंगे। तो गाइस अगर आपको प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्ड है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ऐसे ही जो है इंजीनियरिंग रिलेटेड अपडेट्स के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आने वाले टाइम में आपको सारे एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स टू टेक पे देखने मिल जाएंगे। सो गाइस होपफुली ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपके जो डाउट्स हैं सब कुछ क्लियर हुए होंगे। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।